बिल्कुल, काफी रोचक अनुभव है आपका। आपने कहा कि राजनीति समाप्त होगी, राजनीति तो समाप्त नहीं है, राजनीति तो लगातार अभी भी चल रही है। देखिए, आपके पुरानी सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो और उनके नेता कह रहे थे कि बाबरी तो जो है वो शिवसैनिकों ने, कार सेवकों ने गिराई, इसमें अभी के बीजेपी नेताओं का क्या भूमिका है, क्या रोल है? मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, इनका हम सम्मान करते, वो शेर थे, हिंदुत्व के लिए खड़े होते थे। और जिस समय बाला साहेब ठाकरे जी को ये सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि बाबरी ढांचा आपके शिवसैनिकों ने ढहाया, तो उन्होंने कहा अगर वो मेरे शिवसैनिक होंगे तो मुझे उन पर गर्व है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, हम सब लोग वहां पर थे, हम बीजेपी करके नहीं थे, हम लोग कार सेवक के रूप में थे, सारे कार सेवक वहां पर थे। लेकिन अभी जो उद्धव जी और उनके आजू बाजू जितने लोग दिखते हैं जो अपने आप को शिवसैनिक कह रहे हैं या नेता कह रहे हैं, इनमें से कोई वहां नहीं था, कोई नहीं आया, ये सब दुबक के बैठे हुए थे, इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, ये कोई नहीं थे, ये कार सेवक ही नहीं, ये तो केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको कोई अधिकार भी नहीं पहुंचता। वहां हम लोग थे, मैं स्वयं था, और कितने लोग होंगे महाराष्ट्र से ही, इतने बड़े पैमाने पर लोग, नागपुर से हम लोग हजारों लोग चले गए थे, तो महाराष्ट्र से तो कितने लोग वहां पर थे, ये नहीं थे जी। और इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हम पर तंज कसा था, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये कहने वाले उद्धव जी थे, ये कहने वाले इनके राउत वगैरह, ये जो इनके सारे चेले चपाटे, ये सब ये लोग कहते थे। लेकिन मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, 22 तारीख को श्री राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है, और अगर आप में हिम्मत है तो आ जाइए, आप भी दर्शन ले लीजिए। वो तो कह रहे कि मैं, मुझे किसी की नियुक्ति की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जब चाहे मन चाहे जब चला जाऊंगा। वो कालाराम मंदिर नासिक में जो है वहाँ जाने वाले, क्योंकि वो कह रहे कि उस मंदिर में बाबा साहब ने सबको प्रवेश दिया था आंदोलन करके, राम सबके हैं। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम किसी ना किसी मंदिर में तो वो जा रहे हैं। अभी आजकल जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की फितरत, जिस प्रकार के प्रयोग उनकी पार्टी में चल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि वो मंदिर में जा रहे हैं। और हमने तो हमेशा कहा है, देखिए मंदिर तो जनता का है, जिसको जब जाना चाहिए, मंदिर में तो रोक तो खाई नहीं, तो इसलिए मुझे कोई रोकने, कौन रोकने वाला, अभी क्यों रोकने वाले, आप चले जाइए, आपके अलांटू पलांटू जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी जा सकता है मंदिर के अंदर। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम 22 जनवरी को किसी न किसी मंदिर में वो जा रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। उनका खास तौर पर रुख जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के उनके ऊपर है। जैसे कि आपने तो, उन्होंने सवाल पूछा था कि आप लोग कहाँ थे, आपने तो बता दिया कि आपका कितना योगदान रहा है इसमें, कितनी सक्रियता रही है। मोदी जी को लेकर खास तौर पर वो सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि तब शिवसैनिकों ने अगर बाबरी नहीं गिराई होती तो मंदिर नहीं बनता, और हम जब गठबंधन सरकार में थे, अटल जी की सरकार में थे, कुछ मोदी जी की सरकार में थे, लेकिन विशेष कानून नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। पहली बात तो मैं वापस कहना चाहता हूं, इनका कोई नेता वहां नहीं था, इसलिए बाबरी ढांचा गिराने में इनके किसी नेता का कोई योगदान नहीं है, जो होंगे वो हमारे साथ है, इनके साथ कोई नहीं है, एक भी नहीं, इसलिए इनको बोलने का अधिकार ही नहीं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार हलफनामा नहीं देती तो क्या होता? सवाल यह है कि इससे पहले भी तो यूपीए की सरकार थी जिनके साथ आप बैठे हुए हो आज, क्या हलफनामा दिया था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम अस्तित्व में थे कि नहीं हमको पता नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट राम का नहीं है। तो ऐसा कहने पर होता क्या, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से निर्णय दे पाता? ये निर्णय क्यों आया? क्योंकि वहां की असलियत सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने रखी, एएसआई ने जो उत्खनन किया उसके साक्ष्य सामने रखे, जिसमें बिल्कुल प्रूव होता है कि मंदिर को तोड़कर उसको बनाया गया है। इसके साथ साथ उस मंदिर का जो उल्लेख हमारे पुराणों में या पुरानी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें जहां जहां मिला वो साक्ष्य के रूप में रखा गया, ये सारी चीजें अगर रखी नहीं जाती तो क्या यह फैसला आता?
और इसलिए देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार थी, इसलिए सारी सच ये प्रमाण के साथ सामने आए। और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि न्यास समिति आंदोलन समिति या जो भी उसका नाम रहा होगा, जो पिटिशनर्स थे, इन्होंने जिस प्रकार से उसमें मेहनत की है उनके ऊपर भी आपने तंज कस दिया, उनको भी आपने गाली दे दी, किस प्रकार के आप लोग हैं। अरे जिन्होंने मेहनत करके ये निर्णय लाया, और सिर्फ निर्णय आना इतना ही नहीं है, निर्णय आने के बाद मंदिर भी किस तेजी से बनाया, किस ताकत से बनाया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। देखिए मोदी जी में और इनमें फर्क क्या है, ये भाषणों के हिंदू है, ये चुनावी हिंदू है, और मोदी जी भारतीय संस्कृति को जीते हैं। हमारा जो हिंदुत्व है संकुचित हिंदुत्व नहीं है, ये हमारा हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति को जीने वाला नेता अगर कोई होगा तो मोदी जी। और केवल यहां नहीं, उन्होंने G20 के माध्यम से भी वसुधैव कुटुंबकम ये जो भारतीय विचार है इसको दुनिया में प्रस्तापित करके दिखाया है। ये इसलिए आप लोग कभी सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों के मैंने बयान सुने थे कि 1990 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, कोठारी बंधु वो भी उसमें मारे गए थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ अब उद्धव ठाकरे या जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो लोग बैठे हैं। देखिए मुझे तो ये लगता है कि स्वर्ग में श्रद्धेय बाबा साहब जी की आत्मा भी बहुत प्रताड़ित होगी, बहुत नाराज होगी, क्योंकि जब मुलायम सिंह के बाजू, वो मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो पार्टी थी, उसके साथ जब गठबंधन में वो अपने बेटे को देखते हैं, या जो ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में स्थापित करने के लिए प्रयास करती है, उसके साथ में जब अपने बेटे को देखते होंगे, या फिर मुझे आज भी याद है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कांग्रेस के साथ जाने की जगह मैं अपना शिवसेना का दुकान बंद करना पसंद करूंगा, उसके साथ जब अपने को बेटे को देखते हैं तो पता नहीं क्या उनको लगता होगा।